नमस्कार दोस्तों, मैं अंकिता बैंक ट्यूब में आपका स्वागत करती हूँ। बैंक्स आपकी फाइनेंशियल लाइफ को इजी और बेस्ट बनाने के लिए आपको बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, UPI, लोन, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। लेकिन जब भी आपको अपने बैंक के द्वारा प्रोवाइड की हुई कोई भी सर्विसेज से अगर आपको कोई भी शिकायत होती है और जिससे आपका नुकसान होता है, तो आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं अपनी शिकायत को बैंक के सामने रखने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर, आप कॉल सेंटर में कॉल कर सकते हैं, बैंक को ईमेल कर सकते हैं, या आप ब्रांच में कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर बैंक की गलती होने पर भी आपकी जेन्युइन कंप्लेंट को बैंक अनसुना कर दे या रिजेक्ट कर दे? तो यही पर रोल आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग ओम्बड्समैन का, जहां पर बैंकिंग सर्विसेज रिलेटेड कोई भी शिकायत का समाधान आपको डायरेक्टली RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देती है, वो भी बिना किसी फीस और चार्जेस के। तो आज दोस्तों मैं आपको 2021 में आई इंटीग्रेटेड बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम के बारे में समराइज्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि क्या है कंप्लेंट करने की एलिजिबिलिटी, कितना कंपनसेशन मिलता है, कौन से बैंक के खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं आप, कहां और कैसे कंप्लेंट करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो आने के बाद मैं अगला वीडियो अपलोड करूंगी, जहां हम RBI ओम्बड्समैन में कैसे ऑनलाइन कंप्लेंट करते हैं उसका पूरा लाइफ प्रोसेस देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो पर वापस आते हैं। पॉइंट नंबर 1, कितना है कंपनसेशन अमाउंट। RBI 2 मिलियन यानी कि 20 लाख रुपए तक की कंप्लेंट को RBI ओम्बड्समैन में सुनता है और 1 लाख तक का एडिशनल कंपनसेशन देता है आपके टाइम के लिए और आपको सर्विस ना मिलने से जो तकलीफ हुई है उसके लिए। पॉइंट नंबर 2, कौन से बैंक के खिलाफ हम कंप्लेंट कर सकते हैं। भारत देश में मौजूद ऑलमोस्ट सभी नेशनलाइज बैंक, प्राइवेट बैंक, इवन कोऑपरेटिव बैंक, फाइनेंस कंपनी के द्वारा दी गई किसी भी कस्टमर सर्विस के खिलाफ आपकी शिकायत बैंकिंग ओम्बड्समैन में दर्ज कर सकते हैं। मैंने ऑलमोस्ट इसीलिए बोला क्योंकि कुछ बैंक्स और फाइनेंस कंपनी इस कंप्लेंट प्रोसेस से बाहर है, जिनकी लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, जिसे आप चेक कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, कंप्लेंट कहाँ करें। आप कंप्लेंट ऑनलाइन https://cms.rbi.org.in पर कर सकते हैं। आप कंप्लेंट ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आप आपकी कंप्लेंट लेटर और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ कुरियर कर सकते हैं इस एड्रेस पर। कंप्लेंट लेटर का फॉर्मेट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, कौन सी कंप्लेंट है एलिजिबल। वैसे तो आप ऑलमोस्ट सभी तरह के बैंकिंग सर्विस रिलेटेड कंप्लेंट RBI के बैंकिंग ओम्बड्समैन पर कर सकते हो, पर मैं कंप्लेंट्स के कुछ एग्जांपल देना चाहूंगी, जैसे कि ATM से कैश विड्रॉ करते समय आपको कैश भी ना मिलना और अकाउंट से पैसे कट जाना और उसका रिफंड भी ना आना, स्मॉल डिनोमिनेशन के नोट्स या कॉइन का डिपॉजिट लेने से बैंक का मना करना, क्रेडिट कार्ड का बिल बड़ा चढ़ा कर आना, बिना बताए खाते से ऐसे चार्जेस कट करना जिसकी सर्विस आपने ली ही ना हो, लोन के एप्लीकेशन को बिना किसी वैलिड रीजन के रिजेक्ट कर देना, सिबिल में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अपडेट होना, कोई सर्विस का टाइम पर ना मिलने से हुआ नुकसान, अनप्रोफेशनल तरीके से लोन रिकवरीज के लिए परेशान करना, या ऐसे कोई भी बैंकिंग कस्टमर सर्विस जिसकी डेफिशिएंसी के वजह से आपका नुकसान होना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और हाँ, RBI बैंकिंग ओम्बड्समैन में हम वो कंप्लेंट नहीं कर सकते जिस कंप्लेंट की प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी किसी कोर्ट में हो रही हो या उस कंप्लेंट का जजमेंट ऑलरेडी किसी कोर्ट ने दे रखा हो। पॉइंट नंबर 5, कौन कंप्लेंट कर सकता है। बैंकिंग ओम्बड्समैन में बीइंग अ कस्टमर आप खुद भी कर सकते हो या आप किसी पर्सन को ऑथराइज्ड कर सकते हो आपके बिहाफ पर कंप्लेंट करने के लिए। सिर्फ मेक श्योर करें कि वो ऑथराइज्ड पर्सन एडवोकेट ना हो। पॉइंट नंबर 6, कितने समय में करनी होती है कंप्लेंट। द आंसर इज विदिन 1 ईयर, लेकिन इसे हमें 3 डिफरेंट सिनेरियोस में समझना होगा। फर्स्ट सिनेरियो, आपने 1 जुलाई 2022 को बैंक को कंप्लेंट लेटर दिया, लेकिन बैंक ने उस कंप्लेंट को 10 जुलाई 2022 को रिजेक्ट कर दिया कुछ रीजन से। तो आपके पास RBI बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करने के लिए 10 जुलाई 2023 तक का टाइम है इस कंप्लेंट को लॉन्च करने के लिए। सो द कंप्लेंट पीरियड विल बी 10 जुलाई 2022 से 10 जुलाई 2023। सेकेंड सिनेरियो, आपने 1 जुलाई 2022 को अपने बैंक को कंप्लेंट लेटर दिया, बट आपको 30 दिन तक यानी 31 जुलाई 2022 तक कोई रिप्लाई बैंक से नहीं मिला, तो आपके पास RBI बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करने के लिए 31 जुलाई 2023 तक का टाइम है इस कंप्लेंट को लॉन्च करने के लिए।
सो द कंप्लेंट पीरियड विल बी 31 जुलाई 2022 से 31 जुलाई 2023। थर्ड सिनेरियो, आपने 1 जुलाई 2022 को बैंक को कंप्लेंट लेटर दिया एंड आपको 5 जुलाई को बैंक से उस कंप्लेंट का रिप्लाई आता है, बट आप उस रिप्लाई से डिससैटिस्फाइड हो, ना खुश हो, तो इस सिनेरियो में आप RBI ओम्बड्समैन में 5 जुलाई 2023 के अंदर कंप्लेंट कर सकते हो। सो द कंप्लेंट पीरियड विल बी 5 जुलाई 2022 से 5 जुलाई 2023 तक। ऊपर के तीनों सिनेरियोज में ये मेक श्योर करें कि जब भी आप बैंक में कंप्लेंट करोगे तो आपको रिटर्न कंप्लेंट करना है थ्रू ईमेल और लेटर। सिमिलरली आपको बैंक से राइटिंग में ही रिप्लाई लेना है, क्योंकि जब आप बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करते हो आपके पास कुछ ना कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ये प्रूव करने के लिए कि जो भी कंप्लेंट आप कर रहे हो वो सही है और सबूत के साथ है। एंड द फाइनल पॉइंट इज, मान लो आपने आपकी कंप्लेंट बैंकिंग ओम्बड्समैन में दर्ज कर दी और उसका सोल्यूशन RBI बैंकिंग ओम्बड्समैन ने दे भी दिया, लेकिन जो सोल्यूशन ओम्बड्समैन ने दिया है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप उस केस में अपीलेट अथॉरिटी, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, आप उसे अप्रोच कर सकते हैं, वो भी RBI ओम्बड्समैन से सोल्यूशन मिलने के 30 दिनों के अंदर। सो इसी के साथ मैं वीडियो यही खत्म करती हूँ। हम अगले वीडियो में पूरा लाइव प्रोसेस सीखेंगे, RBI बैंकिंग ओम्बड्समैन में ऑनलाइन कंप्लेंट कैसे करते हैं। सो थैंक यू।